नमस्कार विद्यार्थियों, आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। जैसा कि हमने पिछली अपनी कक्षा में संज्ञा के विकारक तत्व प्रारंभ किए थे और उनमें से दो तत्व लिंग और वचन हमने पूरे कर लिए थे, आशा है आपने मन लगाकर पढ़ाई भी की होगी। और आज की कक्षा में हम संज्ञा के विकारक तत्वों का तीसरा तत्व और आखिरी तत्व कारक पढ़ेंगे। चलिए कक्षा प्रारंभ करते हैं। तो चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। संज्ञा का विकारक तत्व कारक। संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसमें परिवर्तन लाया जा सकता है, और कारक के द्वारा कैसे परिवर्तन लाया जा सकता है ये हम आज पढ़ेंगे। कारक की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले, वाक्य में प्रयोग होने वाले किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द का क्रिया से साथ संबंध को कारक कहते हैं। अर्थात इस परिभाषा का अर्थ है, अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं, तो वाक्य में संज्ञा हो या सर्वनाम हो, वह यदि क्रिया से संबंध स्थापित नहीं करेंगे या क्रिया से उनका संबंध स्थापित नहीं होगा, तो वाक्य का अर्थ या तर्क नहीं निकलेगा। तो जो शब्द, जो विभक्तियां, आप आगे भी पढ़ेंगे अभी विभक्ति क्या, जो विभक्तियां सर्वनाम और संज्ञा से क्रिया का संबंध स्थापित करती हैं, क्रिया का संबंध बनाती हैं, उन्हें कारक कहते हैं। आगे देखते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले विभक्ति चिन्ह अथवा परसर्ग ही कारक कहलाते हैं। यहाँ पर बात हो रही है ये विभक्ति चिन्ह या परसर्ग। पर का मतलब होता है बाद में, परसर्ग बाद में लगने वाली विभक्ति अथवा विभक्ति चिन्ह, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के बाद जो विभक्ति चिन्ह लगते हैं, जो परसर्ग लगते हैं और क्रिया से उनका संबंध स्थापित करते हैं, हम कारक कहते हैं। अब इस परिभाषा को और अच्छे से समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं। जैसे उदाहरण सबसे पहला दिया हुआ है कि राम ने रावण को बाण मारा। अब इस उदाहरण में जो मैंने रेखांकित की हुई विभक्तियां हैं, अगर हम उन्हें हटा दें और उन्हें वाक्य को तब पढ़ें, तो क्या उसका अर्थ निकलेगा? चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं। राम रावण बाण मारा। इस राम रावण बाण मारा का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, कोई तर्क नहीं निकल रहा। बावजूद यदि हम इसमें विभक्ति चिन्ह जोड़ देंगे तो अर्थवान वाक्य, यानी कि अर्थ से जुड़ा हुआ वाक्य बनेगा। और हमने ये पढ़ा भी था छठी कक्षा में कि सार्थक शब्दों से बने समूह को वाक्य कहते हैं, और यदि कोई वाक्य निरर्थक है तो उसे हम अपने जीवन में प्रयुक्त नहीं करते, वह प्रयोग में नहीं आता। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, रोहन ने पत्र लिखा। रोहन पत्र और लिखा, रोहन संज्ञा पत्र कर्म और लिखा क्रिया, इनका आपस में संबंध स्थापित हो रहा है ने विभक्ति द्वारा। तरुण ने फोन किया, यहाँ पर ने विभक्ति द्वारा सर्वनाम या संज्ञा का क्रिया से संबंध स्थापित किया जा रहा है। बंदर पेड़ से उतरा, इसमें से विभक्ति से किया जा रहा है। पानी में मछली है, यहाँ पर में विभक्ति या आप कह सकते हैं परसर्ग चिन्ह द्वारा पानी मछली का संबंध स्थापित किया जा रहा है। अब ये संबंध स्थापित करने के लिए ये किस प्रकार स्थापित किया जाता है, कहाँ पर कौन सी विभक्ति जोड़ी जाए, इसके लिए हमें कारक के प्रकार जानने होंगे। परिभाषा के बाद कारक के प्रकार पढ़ते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इनके बारे में और विस्तार में हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में आपको प्रत्येक कारक का चिन्ह यानी कि विभक्ति और अर्थ बताना चाहा है। सबसे पहले पढ़ते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक की विभक्ति यानी कि चिन्ह है ने, और इसका अर्थ होता है काम करने वाला। यानी कि जब यह विभक्ति चिन्ह ने कर्ता के साथ, यानी कि जो काम करने वाला है उसके साथ लगता है, तो कर्ता कारक कहलाता है।
आगे विस्तार में जब हम इसकी परिभाषा, प्रयोग और उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको और बेहतर समझ आएगा। अगला है कर्म कारक। कर्म की विभक्ति है या चिन्ह है को, जिसका अर्थ है जिस पर काम का प्रभाव पड़े, यानी कि वाक्य में क्रिया या काम का प्रभाव जिस वस्तु या व्यक्ति पर पड़ता है और उसके साथ को चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर कर्म कारक होता है। इन सभी कारकों के नियम भी होते हैं। जैसे जैसे मैं एक एक करके विस्तार बताती जाऊँगी, आपको सारी बातें समझ में आती चली जाएंगी। तीसरा कारक है करण कारक, जिसकी विभक्ति चिन्ह है से, और जिसका अर्थ है कि जिसके द्वारा कर्ता काम करे, यानी कि कोई ऐसा साधन, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, यानी कि कर्ता काम करे, मतलब कुछ भी हो सकता है। वो हो सकता है कोई एक व्यक्ति दूसरे को साधन बना ले, कोई एक व्यक्ति किसी वस्तु को साधन बना ले, इस प्रकार वह साधन ही जिसके द्वारा काम कर्ता कर रहा है वहां पर करण कारक होता है। चौथा है संप्रदान, जिसकी विभक्ति चिन्ह है को के लिए, और इसका अर्थ है जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी कि जिस चीज के लिए, जिस व्यक्ति के लिए, जिस वस्तु के लिए क्रिया असल में की जा रही है, वहां पर संप्रदान कारक होता है, और संप्रदान कारक के लिए ये विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है को और के लिए। मैं बार बार समझा रही हूँ, ये टेबुलर फॉर्म आपको सिर्फ एक रॉ देने के लिए है। आगे जिस जैसे जैसे विस्तार में परिभाषा, उदाहरण और प्रयोग नियम पढ़ते चले जाएंगे, आपको समझ में आता चला जाएगा। अब आगे देखते हैं, अपादान कारक, जिसकी विभक्ति चिन्ह है से, और जिसका अर्थ है जिससे अलगाव हो। आपने देखा होगा कि से विभक्ति चिन्ह करण कारक का भी था, और से विभक्ति चिन्ह यहाँ पर अपादान का भी है, किंतु दोनों में भिन्नता है और अत्यधिक भिन्नता है। यहाँ पर अपादान कारक से मतलब है वस्तु या व्यक्तियों का या किसी भी चीज का आपस में अलग होना, और इसमें अर्थ भी ये दिया हुआ है कि अलगाव होना, यानी कि अलग हो जाना, बिल्कुल एक दूसरे से हट जाना। तो ये आपको उदाहरण से और परिभाषा से समझ आएगा। जिस समय मैं आपको करण कारक और अपादान कारक समझाऊंगी विस्तार में, तभी मैं आपको इनमें अंतर भी समझाती चली जाऊंगी। अगला कारक है संबंध कारक, जिसके चिन्ह है विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे, और इसका अर्थ है अन्य पदों से संबंध, यानी कि अन्य पदों से, सर्वनाम और संज्ञा छोड़कर अन्य पदों से जब संबंध स्थापित किया जाता है, किसका, क्रिया का संबंध स्थापित किया जाता है, तो का, की, के, रा, री, रे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी कि वहां पर संबंध कारक होता है। अगला है अधिकरण कारक, जिनके विभक्ति चिन्ह है मे, पर, यानी कि क्रिया का आधार, अर्थ है क्रिया का आधार। क्रिया का मूल आधार क्या है? क्रिया का मूल आधार पता जिस चीज से चलता है, जिन वस्तुओं से, जिन व्यक्ति से पता चलता है, उनके साथ में और पर की विभक्ति लगती है, और वहां पर अधिकरण कारक होता है। अगला जो कि अंतिम कारक है संबोधन, हे अरे, और इसमें ओ भी होता है, हे अरे ओ चिन्ह, तो इनका अर्थ है किसी को पुकारना या बुलाना। तो यह एक विस्मयादि बोधक चिन्ह की तरह नहीं है, ये संबोधन है। विस्मयादि बोधक में होता है कि हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, संबोधन है कि हम किसी को पुकार रहे हैं, किसी को बुला रहे हैं, किसी का संबोधन कर रहे हैं। तो जब वहां पर ऐसे विभक्ति चिन्ह किसी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो संबोधन कारक होता है। तो चलिए अब हम प्रत्येक कारक को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। हिंदी का सबसे पहला कारक है कर्ता कारक। इसकी परिभाषा है, किसी वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द से काम करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति ने तथा शून्य है, अर्थात इस परिभाषा का अर्थ है कि जिस शब्द से, चाहे वह संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो, हमें काम करने वाले का पता चल रहा है, काम करने वाले का बोध हो रहा है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। और उस काम करने वाले व्यक्ति के साथ विभक्ति चिन्ह कौन सा लगता है? या तो ने लगता है या फिर शून्य, शून्य का अर्थ होता है या फिर लगता ही नहीं है। अब आप विभक्ति चिन्ह का प्रयोग उदाहरण के द्वारा ज्यादा अच्छे से समझेंगे। उदाहरण चारों पढ़ लेते हैं।
उसने खाया, राम खाता है, सीता खाती है, राम ने खाया। अब इन चारों वाक्य में उसने, राम, सीता, राम ने कर्ता कारक है। कर्ता कारक कैसे है ये हम समझते हैं। पहले वाक्य में उसने खाया, उस सर्वनाम है, खाया क्रिया है, सर्वनाम का संबंध क्रिया से स्थापित करने के लिए लिए ने विभक्ति का प्रयोग हुआ। और सर्वनाम जो उस है वही करता है, काम करने वाला है, क्योंकि वही कर रहा है, क्या काम कर रहा है, खा रहा है, क्रिया कर रहा है खाना। तो ने विभक्ति ने उस और खाया, सर्वनाम और क्रिया को जोड़ दिया, उनका संबंध स्थापित कर दिया, तो यहाँ पर कर्ता कारक है। यह तो उदाहरण पूरी तरीके से हमें समझ आ रहा है, स्पष्ट है। किंतु अगर अगला उदाहरण देखें कि राम खाता है, अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि यहाँ पर तो ने विभक्ति नहीं है, तो कर्ता कारक होगा या कौन सा कारक होगा। तो मैं आपको समझा दूं, राम खाता है, राम यहाँ पर संज्ञा है और क्रिया है खाता है। राम ने खाता है अगर हम बोलेंगे तो वह अर्थ नहीं बनेगा, स्पष्ट नहीं लगेगा, तर्क नहीं बनेगा। तो राम खाता है, कौन खाता है, राम ही खाता है। तो यहाँ पर जब संज्ञा में विभक्ति चिन्ह छुपा हुआ होता है तो भी कर्ता कारक ही माना जाता है। आगे मैं आपको इसमें एक विशेष चीज़ जो है जिससे कि जिसके द्वारा आप समझ पाएंगे कि कर्ता कारक ही है, वह मैं आपको आगे जाऊंगी। अब जैसे सीता खाती है, इसमें ने विभक्ति का लोप है, यानी कि ने विभक्ति नहीं है, किंतु यहाँ पर कर्ता कारक है, क्योंकि कर्ता सीता क्रिया खाती है से जुड़ी हुई है, संबंध स्थापित है। सीता ने खाती है नहीं बनेगा, लेकिन सीता ने ही खाया, यहाँ पर यह संबंध स्थापित हो रहा है और सीता यानी कि कार्य करने वाले का हमें पता चल रहा है। राम ने खाया, यहाँ पे पूरी तरीके से स्पष्ट है, ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर कर्ता कारक का प्रयोग है। पहले और चौथे वाक्य में सर्वनाम नाम और संज्ञा के साथ ने विभक्ति लगी है, जबकि दूसरे और तीसरे वाक्य में ने विभक्ति लुप्त है, यानी कि छुपी हुई है। लेकिन इन वाक्यों में भी राम और सीता के द्वारा खाने की क्रिया संपन्न हो रही है, यानी कि मैंने आपको बताया भी कि हमें कर्ता का पता चल रहा है, बोध हो रहा है कि राम और सीता ही कर्ता हैं और वह क्रिया कर रहे हैं, क्रिया उनके द्वारा संपन्न हो रही है, अतः यह भी कारक कर्ता कारक ही है। आगे आपको जब मैं विशेष बताऊंगी इसका और अच्छे से स्पष्ट होगा, तो चलिए विशेष जानते हैं। कर्ता कारक की कुछ विशेष बातें हम यहाँ पर जान लेते हैं, जिससे हमें वाक्य में कर्ता कारक जानने, पहचानने और समझने में और आसानी हो जाएगी। कर्ता कारक को पहचानने के लिए कौन कर्ता है प्रश्न पूछना चाहिए। इस प्रश्न का जो उत्तर मिलेगा वही कर्ता कारक होगा, यानी कि किसी वाक्य में अगर हम यह प्रश्न करते हैं कौन कर्ता है, किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्ता कारक है और हमें नहीं मिल रहा है, किंतु हम प्रश्न करते हैं कौन करता है और यदि उसका उत्तर मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर कर्ता कारक है। दूसरी विशेष बात है इसमें कि प्रायः वाक्य भूतकाल में तथा क्रिया का सकर्मक रूप हो तो ने विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इस बात को मैं सरल भाषा में बता देती हूँ कि वाक्य अगर भूतकाल का है, आपको अच्छे से पता है कि तीन काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल। यदि कोई वाक्य भूतकाल में है, था या हुआ, या हुआ हो सकता है, या फिर खाया था, या उसने किया, ऐसा अगर भूतकाल में प्रतीत हो रहा है और साथ में क्रिया सकर्मक यानी कि कर्म के साथ जुड़ी हुई क्रिया है, तो ने विभक्ति यानी कि जो कि कर्ता कारक की विभक्ति है उसका प्रयोग होगा। और तीसरी विशेष बात, वर्तमान काल तथा भविष्य काल के वाक्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति का लोप होगा, यानी कि वह विभक्ति छिपी हुई होगी। कर्ता तो उसमें भी है, वर्तमान काल में भी है, भविष्य काल में भी है, किंतु उसमें ने विभक्ति का लोप होगा,
परंतु वहां पर भी कर्ता कारक होगा, यह एक विशेष बात है। तो आपको अपने मन में इन तीन बातों को रखना है कि यदि किसी वाक्य से अगर हमें प्रश्न करना है कि कौन करता है और हमें उस वाक्य द्वारा उत्तर मिल रहा है कि कर्ता यह है, तो वहां पर कर्ता कारक है। भूतकाल का वाक्य है और क्रिया कर्म के साथ है, ने विभक्ति लगाई जाएगी, ने विभक्ति का प्रयोग होगा जो कि कर्ता कारक की विभक्ति है। और तीसरा, वाक्य यदि वर्तमान काल और भविष्य काल का है तो उसमें कर्ता के साथ यानी कि काम करने वाले के साथ ने विभक्ति का लोप होगा, यानी कि वह विभक्ति छुपी हुई होगी। खाली आपको कर्ता नजर आएगा किंतु आपको उसके पीछे अगर आप वही प्रश्न करेंगे कि कौन करता है और आपको जाएगा, तो वहां पर आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से कि कर्ता कारक है। अब दूसरा कारक विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं। दूसरा कारक है कर्म कारक। इसकी परिभाषा है, वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कहलाता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को है और वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पूर्ण रूप से पड़ रहा है, क्रिया का असर पूरी तरीके से पड़ रहा है, वह कर्म कहलाएगा। और उस कर्म के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? को विभक्ति का। उदाहरण से और स्पष्ट होगा, जैसे सीता ने गीता को बुलाया, यहाँ पर भक्ति का प्रयोग हुआ है। वाक्य में की गई क्रिया का असर गीता पर पड़ रहा है, यानी कि बुला तो सीता रही है लेकिन असर किस पे पड़ रहा है? गीता पर। और गीता क्या है? गीता कर्म है। बुलाया क्या है? क्रिया है। सीता क्या है? कर्ता है। तो कर्ता के साथ ने विभक्ति आप देख रहे हैं, यहाँ पे कर्ता कारक भी है, सीता ने, कर्ता भी जुड़ा हुआ है, कर्ता के साथ विभक्ति जुड़ी हुई है, वो बुलाया क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन कर्म कौन है? गीता। तो बुलाने का असर सीता पर नहीं है, गीता पर है, क्योंकि सीता ने क्रिया की है, क्रिया का असर पड़ा गीता पर। और गीता के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? को विभक्ति का। और को विभक्ति कर्म कारक की विभक्ति है। अब कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, गोपाल ने राधा को बुलाया, रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, बच्चे माँ ने बच्चे को खाना खिलाया। यहाँ पर तीनों जो वाक्य हैं इनमें जो कर्म है वो है राधा को, घोड़े को, बच्चे को। राधा, घोड़े, बच्चे कर्म है, इनके साथ कर्म की विभक्ति को जोड़ी गई जिसके कारण क्रिया से संबंध स्थापित किया गया। कर्ता कौन है यहाँ पर इन तीनों वाक्य में? गोपाल, रामू और माँ। और इन तीनों वाक्य में क्रिया क्या है? बुलाया, पिलाया, खिलाया। यानी कि कर्ता और कर्म का संबंध क्रिया से स्थापित किया जा रहा है और क्रिया का पूरा असर कर्ता पे नहीं पड़ रहा अपितु कर्म पर पड़ रहा है। कर्ता अपना कार्य कर रहा है, वो सब कार्य कर रहा है, किंतु उस कार्य का असर कर्ता पर डायरेक्ट नहीं पड़ रहा, उसका असर पड़ रहा है कर्म पर। और कर्म के साथ हमने विभक्ति चिन्ह को जोड़ दिया है जो कि को है। ऊपर दिए गए सभी वाक्यों में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है, अर्थात यहाँ पर कर्म कारक है। आगे कर्म कारक से संबंधित कुछ विशेष बातें जानते हैं। कर्म कारक से संबंधित विशेष बातें हैं, वाक्य में कर्म की पहचान करने का उपाय यह है कि क्रिया के साथ क्या किसने प्रश्न लगाकर देखिए। जैसे हमने कर्ता कारक में प्रश्न लगाया था ना कि कौन करता है, इसी तरीके से अगर हम क्रिया के साथ क्या और किसे का प्रश्न लगे और हमें उत्तर मिलेगा तो वह कर्म कहलाएगा, यह इसकी विशेष पहचान है। दूसरी बात यह है कि किसी वाक्य में कर्म दो भी हो सकते हैं, मुख्य कर्म और गौण कर्म। कभी कभी वाक्य में एक साथ दो कर्म मिलते हैं, यथा, यानी कि उदाहरण के लिए, दूधिया ग्राहकों को दूध दे रहा है, और दूसरा उदाहरण है माँ बच्चे को खाना खिला रही थी। उपर्युक्त वाक्यों में ग्राहकों को, बच्चों को गौण कर्म है तथा क्रमशः दूध और खाना मुख्य कर्म है। मुख्य कर्म की पहचान यह है कि वह क्रिया के समीप रहता है तथा उसमें विभक्ति नहीं लगती।
जबकि गौण कर्म क्रिया से दूर रहता है और उसमें विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे पूरी तरीके से दोनों कर्म में अंतर भी स्पष्ट कर दिया गया है और उदाहरण से और अच्छा समझ में आ गया कि प्रस्तुत दोनों उदाहरण में ग्राहकों को और बच्चे को ये गौण कर्म है, इनके साथ कर्म कारक की विभक्ति का प्रयोग हुआ है क्योंकि यह क्रिया से थोड़े दूर हैं और क्रिया के निकट कौन सा कर्म है, दूध और खाना। और क्रिया है कौन सी दोनों में, एक में दे रहा था और दूसरे वाक्य में क्रिया है खिला रही थी, अर्थात दूध और खाना जो कि बिल्कुल समीप हैं, बिल्कुल निकट हैं क्रिया के, वह कौन से कर्म कहलाएंगे, मुख्य कर्म कहलाएंगे। और जो क्रिया से थोड़े दूर हैं कर्म, वह गौण कर्म कहलाएंगे और विभक्ति चिन्ह उन्हीं के साथ लगेगा। आप देख रहे होंगे वाक्य में ग्राहकों दूध, बच्चे खाना, इन्हीं पर पूरा प्रभाव पड़ रहा है। जो करता है वह अपना कार्य कर रहा है और उस कार्य का पूरा प्रभाव इन कर्म पर पड़ रहा है, कर्म चाहे मुख्य हो या गौण हो। तो यदि आपको वाक्य में दो कर्म आ जाएं और एक कर्म के साथ विभक्ति जुड़ी है, दूसरा कर्म क्रिया के निकट है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि को विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर कर्म कारक ही प्रयुक्त होता है। अब हम तीसरा कारक पढ़ेंगे, करण कारक। करण कारक की परिभाषा जान लेते हैं पहले। वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कारक कहलाता है, यानी जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है। करण कारक के दो विभक्ति चिन्ह होते हैं, से और के द्वारा। इसका मतलब यह है कि वाक्य में से और के द्वारा जब प्रयुक्त होता है तो उनकी सहायता से किसी क्रिया को अंजाम दिया जाता है, क्रिया की सफलता तक पहुंचाया जाता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए उदाहरण देखते हैं। वह लड़का ठंड से कांप रहा था, वाक्य में से विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। इससे हमें क्रिया के होने के साधन का पता चल रहा है, यानी कि साधन ठंड है और ही कारण है जिसके वजह से वह लड़का कांप रहा है। इससे हमें क्रिया के होने के साधन का पता चलता है। इस वाक्य में कर्म ठंड है क्योंकि इसकी वजह से ही कांप रहा है, तो से विभक्ति लगा के कर्म के साथ क्रिया का साधन बताया गया है कि क्रिया का साधन क्या, क्रिया होने का साधन क्या है। अतः यह उदाहरण करण कारक का है, करण कारक के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से एक अन्य उदाहरण देखते हैं। सुनील ने अपनी पत्नी के द्वारा खाना बनवाया। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि से विभक्ति और के द्वारा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो दूसरा उदाहरण के द्वारा विभक्ति का प्रयोग करके बताया गया है कि सुनील ने अपनी पत्नी के द्वारा खाना बनवाया, यानी कि क्रिया है खाना बनवाना और उसका साधन है पत्नी के द्वारा। जैसे कि ऊपर वाले उदाहरण में था कि कांप रहा था वह लड़का, जिसका कारण था ठंड से कांपना, तो यहाँ पर भी उपर्युक्त वाक्य में खाना बनवाने की क्रिया है, यह पत्नी के द्वारा करवाई गई है, पत्नी साधन कहलाएगी। जैसे ऊपर वाले वाक्य में ठंड साधन था, वाक्य में के द्वारा का प्रयोग भी किया जाता है, यानी कि से विभक्ति का भी प्रयोग होता है और के द्वारा का भी प्रयोग होता है। यहाँ करण कारक है, अर्थात आपको वाक्य में यह देखना है कि साधन क्या है क्रिया का। क्रिया हो तो रही है किंतु किसके द्वारा हो रही है, साधन क्या बन रहा है। तो वहाँ पर जहाँ पर से और के द्वारा साधन के रूप में प्रयुक्त होगा, करण कारक कहलाएगा। हमारा चौथा कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ देना होता है। जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। वाक्य में किसी को देना या किसी के लिए कुछ करना, संप्रदान कारक के लिए विभक्ति चिन्ह है के लिए या को।
आप एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जितने भी कारक आपने आज पढ़े या आगे आने वाली कक्षा में आप पढ़ेंगे, कारकों के विभक्ति चिन्ह को आत्मसात करना है, उन्हें याद रखना है। विभक्ति चिन्ह अगर आपको पता होंगे तो उनको आप प्रयोग में भी ला सकते हैं और उनको बहुत आसानी से वाक्य में पहचान भी सकते हैं। अब संप्रदान कारक का उदाहरण देख लेते हैं। नरेश मीना के लिए फल लाया। अब उपर्युक्त वाक्य में के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है, यानी कि के लिए विभक्ति, संप्रदान कारक की विभक्ति। इससे हमें पता चल रहा है कि किसी के लिए काम किया जा रहा है। किसके लिए काम किया जा रहा है? मीना के लिए काम किया जा रहा है। कर्ता कौन है? नरेश। नरेश मीना के लिए फल लाया है। फलों का लाना फल कर्म है, लाया है क्रिया है। तो यहाँ पर किसी के लिए कार्य हो रहा है, अर्थात यहाँ संप्रदान कारक है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, विकास तुषार को किताबें देता है। उपर्युक्त उदाहरण में को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यह चिन्ह बताता है कि किसी ने किसी को कुछ दिया है। विकास ने तुषार को किताबें दी हैं। यहाँ विकास ने तुषार को किताबें दी। जब किसी को कुछ दिया जाता है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। ये बात आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है। संप्रदान का अर्थ ही है देना, किसी को कुछ दिया जाना या किसी के लिए कुछ किया जाना ही संप्रदान कारक है और को और के लिए विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक के लिए कुछ विशेष बातें हैं जो कि जान लेते हैं। अब संप्रदान कारक में विशेष बात ध्यान देने योग्य क्या है? को विभक्ति कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों में प्रयुक्त होती है। जैसे करण कारक और अपादान कारक में से विभक्ति दोनों में प्रयुक्त होती है, किंतु दोनों में भिन्नता होती है। इसी प्रकार जो को विभक्ति है वह कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में प्रयुक्त होती है। अब ये कैसे समझा जाए कि विभक्ति को जहाँ जिस वाक्य में आ रही है, प्रयुक्त हो रही है, वहाँ पर निश्चित रूप से कर्म कारक है या संप्रदान कारक है? तो इसके लिए सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है कि आप परिभाषाओं को ध्यान में रखें और इसका निश्चय बड़ी सावधानी से कीजिए कि को विभक्ति युक्त कर्म कारक है या संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक जहाँ पर कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए, तो अगर वहाँ ऐसे वाक्यों के अर्थ में को विभक्ति प्रयुक्त हो रही है तो संप्रदान कारक है। अगर कर्म के साथ को विभक्ति है और क्रिया का प्रभाव पूर्ण रूप से कर्म पर पड़ रहा है, तो वहाँ जो को विभक्ति होगी वो विशेष रूप से कर्म कारक की को विभक्ति होगी। प्रायः द्विकर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों में को विभक्ति संप्रदान कारक के लिए आती है। यानी कि किसी वाक्य में क्रिया के दो कर्म हैं, द्विकर्मक क्रियाओं मतलब क्रिया के दो कर्म हैं, तो उन वाक्यों में अधिकतर संप्रदान कारक होता है। बाकी परिभाषाओं को ध्यान में रखकर आप समझ पाएंगे बेहतर रूप से कि को विभक्ति जहाँ प्रयुक्त हुई है वहाँ कर्म कारक है या संप्रदान कारक है। अब आगे की जो चार कारक हैं वो हम अगली कक्षा में करेंगे। आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िए और जो भी रचनात्मक कार्य दिया जा रहा है उसे भली भांति कीजिए। धन्यवाद।